यही पता है, यही प्लास्टिक हम जब यूज करते हैं और यूज करके फेंक देते हैं, चाहे डस्टबिन में ही क्यों ना डालें, वो डस्टबिन भी तो आखिर फेंका ही तो जाता है वो सारा कूड़ा कहीं ना कहीं। अगर वो हमने जलाया हमारी हवा को पॉल्यूट करता है, अगर वो पानी में गया तो पानी को पॉल्यूट करता है, मिट्टी में गया तो मिट्टी को पॉल्यूट करता है, करता है कि नहीं? अब ये हवा, ये पानी, ये मिट्टी किसकी है? हवा में कौन सांस लेता है? पानी कौन पीता है? तो अगर अपनी हवा, अपना पानी है ना, ये समझ लो हमारे लंग्स का ही हिस्सा है ना, वो हमारी किडनी का ही हिस्सा है पानी, अगर हम उन्हीं चीज़ों को खराब करेंगे तो क्या जिंदा रह पाएंगे? तो बस कंक्लूजन में यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोचिए, क्योंकि फ्यूचर किसका है, और अगर अपना फ्यूचर बचाना है तो सोचना पड़ेगा, और सिर्फ सोचना नहीं है, हमें एक्ट करना होगा। आप सब लोग योद्धा बन रहे हो ना, आपका दुश्मन कौन है? तुम लोग सेल्फ डिफेंस सीख रहे हो, आपका दुश्मन कौन है? पता भी नहीं है दुश्मन कौन है, पता नहीं कोई अटैक करेगा भी नहीं, तो डिफेंस फिर कैसे करोगे? चाहे भी कोई अटैक करे है ना, और जो दुश्मन आपके सामने है पॉल्यूशन, उससे लड़ रहे हो क्या? मतलब जो दुश्मन अभी है भी नहीं, पता नहीं होगा भी नहीं, आप उसकी तैयारी कर रहे हो टाइकोंडो सीख के, और जो दुश्मन सामने खड़ा है जिसके कारण हम लोग खत्म हो जाएंगे अगर हमने उस दुश्मन को नहीं रोका, पॉल्यूशन को, उससे कोई लड़ाई कर रहे हो तो लड़ना चाहिए कि नहीं? प्लीज आप लोग पानी, हवा, इन सबको बचाने के लिए आगे आइए, करना कुछ नहीं है, बस हमें अपने आप से पॉल्यूशन नहीं करना है, और अगर हो सके तो चार लोगों को समझाना भी है, रोकना भी है, टोकना भी है, ठीक है? और सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज बंद कर दीजिए, गोला यूज करो, उसमें प्राउड फील करो।